कि इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके कारण आपको यहाँ पे मार्केट के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। वियतनाम की जो सरकार है, सेंट्रल बैंक, वो दोनों मिलकर क्रिप्टो करेंसी के लिए यहाँ पे एक जो है रूल्स कुछ बना रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अब बात ये है कि यहाँ पे वियतनाम के अंदर सरकार है और सेंट्रल जो बैंक है वो मिलकर यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी रूल्स बना रहे हैं उनका यहाँ पे मार्केट से क्या लेना देना है, इंडिया का मार्केट क्यों डाउन होगा, डिटेल से बात करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि वियतनाम के लिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग रूल एंड रेगुलेशन। देखिए, क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग अगर बात करें तो हर कोई देश यहाँ पे हर हफ्ते के अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ नए रूल्स है, कुछ नए रेगुलेशंस है वो लेके आता है। वो सब मैटर करता है, मार्केट के ऊपर इफेक्ट जरूर से ज़रूर डालता है। जब इंडिया के अंदर भी क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो रूल्स बनाए गए थे उस टाइम भी मार्केट के अंदर डाउनफॉल देखने को मिला था, एंड धीरे धीरे यहाँ पे वापस मार्केट सेम पोजिशन के अंदर आ रहा है। ऐसे ऐसे यहाँ पे जो है और कंट्रीज़ है वहाँ पे भी आपको यहाँ पे जो ऐसी न्यूज़ देखने को मिलती है, कुछ बैड न्यूज़ होती है, कुछ न्यूज़ कुछ कुछ जो गुड न्यूज़ होती है। अब ये क्या गुड न्यूज़ है या फिर बैड न्यूज़ है इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, डिटेल से बताऊँगा मार्केट क्यों डाउन जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वियतनाम की सरकार है जो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग जो रूल एंड रेगुलेशन बना रही है, अब उनसे मार्केट डाउन क्यों जाएगा। तो इसका रीज़न ये होता है कि जब अपने इंडिया की बात करें, इंडिया से इसको थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए ट्राई करते हैं ताकि आपको यहाँ पे इजीली यहाँ पे समझ में आ जाए। जब इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग रूल एंड रेगुलेशंस बन रहे थे तब हमारे माइंड में एक कोई ना कोई संशय जरूर था कि क्या ये जो कुछ जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं क्या ये हार्ड तो नहीं होंगे, अगर हार्ड होंगे तो हमारा पैसा कहाँ पे जाएगा, क्या कुछ हो सका, मतलब बैन भी हो सकता है। बैन तो नहीं होगा यहाँ पे वियतनाम का, लेकिन यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशंस है, कुछ पॉलिसी अब 30% का टैक्स इंडिया के अंदर था है, और अब इसकी वजह से कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट पड़ा है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। उसी प्रकार से वियतनाम के लोगों को भी इस चीज़ का डर है कि रूल एंड रेगुलेशंस कैसे आएंगे, उसकी वजह से हो सकता है उन्होंने जो भी पैसा डिपॉजिट किया है वो विड्रॉल कर ले। कुछ ना कुछ लोग जरूर से करेंगे, यहाँ पे 10% 20% हो सकता है, कुछ ये आंकड़ा ज़्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ विड्रॉल पैसा है जो जरूर लगा लेंगे। उसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये होती है कि मार्केट अभी डाउन हो रहा है तो जैसे ही यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशंस आते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उसके बाद में मार्केट के अंदर फिर से पंप देखने को ज़रूर से मिल जाएगा। जितना आप ही डाउनफॉल होगा, जैसे 1% 2% उतना यहाँ पे आपको जैसे ही यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे, अगर ये पॉजिटिव निकलते हैं तो यहाँ पे 3-4% तक का पंप देखने को मिल सकता है, और अगर थोड़े बहुत हार्ड हुए तो आपको यहाँ पे 1-2% का पंप जरूर से देखने को मिल सकता है। मतलब ये अगर हम बैड न्यूज़ या फिर गुड न्यूज़ की बात करें तो ये दोनों में से भी नहीं है, क्योंकि अगर ये आज की डेट में बैड न्यूज़ है तो कल की डेट में ये गुड न्यूज़ बन जाएगी, अगर आज के दिन में ये गुड न्यूज़ ही मान ले, क्योंकि मौका देने वाली है। अब मार्केट डाउन होगा तो आपको एक मौका मिलेगा, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट ले सकते हो। कुल मिलाकर अगर हम इसको दर्जा दें तो इसको हम गुड न्यूज़ बोल सकते हैं। बाकी डिटेल से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो bitcoin.com न्यूज़ के अंदर आके। यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ में शेयर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो कर दिए, अभी 1 घंटे पहले का यहाँ पे ये न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना क्योंकि इंस्टेंट अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहती है।